इस वक्त खाना कहवा में जो है वो इशा की नमाज का वक्त जो है वो हुआ जाता है। ये सफबंदी हो चुकी है, लेकिन क्या आपको पता है कि इमाम काबा कहाँ खड़ा होता है? यकीनन आप समझते होंगे कि खाना काबा की दीवार के साथ किसी जगह खड़ा होता होगा, या वो सामने हतीम है वहाँ पे खड़ा होता होगा, या उस साइड पे दूसरी साइड पे मुल्तज़म है बाब रहमत है उस साइड पे खड़ा होता होगा। नहीं, इमाम खाना काबा जो है वो आखिरी सफ़ में खड़ा होता है। जी हाँ, ये सामने जो है वो हजरे अस्वद है, उस साइड पे वो हजरे अस्वद से और रुकन यमानी की सीध से ये लोग यहाँ से सफ़ें ख़त्म कर देते हैं। ये जैसे आपको सफ़ें ख़त्म हुई नज़र आ रही हैं, और इमाम काबा जो हैं वो वहाँ पे उस जगह आके खड़े हो रहे हैं। वो पीछे मैं आपको दिखाता हूँ जूम इन करके, वो जो जगह है उस जगह इमाम काबा आके खड़े हो रहे हैं। अभी साइड पे हुए, अभी आते हैं दोबारा तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जहाँ फ़ौजी फिर रहा है, ये फ़ौजी वाली जो जगह है यहाँ पे, ये देखें इस जगह इमाम काबा आएगा और वो यहाँ पे आके खड़ा होकर नमाज पढ़ाएगा। वो माइक उन्होंने सेट कर दिया। फिर जो रेड टोपी वाले जो फ़ौजी हैं, इनकी ड्यूटी होती है इमाम काबा की निगरानी करनी। अभी वहाँ पे आएगा, जमात खड़ी कराने लगा है अभी, तो मैं आपको दिखाता अभी हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि इमाम काबा जो है वो किस जगह पे खड़ा होता है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये पीछे देखें, ये वाली जो जगह है येलो, इसमें इमाम काबा खड़ा होता है। ये देखें अब ये तकबीर हो रही, यहाँ खड़ा होगा इस जगह, आना शुरू हो गए। इधर आप ऊपर करके दिखाता हूँ, वो आ गए इमाम काबा, वो आके उसने खड़ी करा दी इस जगह।